अजीज हम वतनों आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है ग्रीन पाकिस्तान कि हम अपने पाकिस्तान को किस तरह सब्ज कर सकते हैं, किस तरह इसमें खुराक फलों का एक जखीरा उगा सकते हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, दुनिया में कोई भी मुल्क हो तो वो इस फार्मूले पर अमल कर सकता है। और हम मुसलमानों को तो इसमें अहादीस में बहुत ज़्यादा ताकीद है कि आप अपने इर्द गिर्द को पौधों से फलों से इनसे सजाएं। तो वज़ीर आज़म जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि वो जिस तरह जोर दे रहे हैं कि हम इतने दरख्त लगाएं और उन्होंने कोशिश भी की और उसका रिजल्ट भी किसी हद तक सामने आया के पी के में, तो उसमें इस तरह से अगर किया जाए जो आज मैं फार्मूला बता रहा हूँ तो इसमें पाकिस्तान के दरख्त बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट के बजट का कुछ भी नहीं लगेगा और रिजल्ट भी आएंगे। उसकी मिसाल ये है कि हमारे निचले दर्जे तक जो किसानों से रबते में होते हैं वो पटवारी होते हैं, ऊपर तहसीलदार हो गए, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो सिर्फ एक फार्मूला लगाने की ज़रूरत है। वो फार्मूला कैसे है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि पहले होता था जैसे टीवी के लाइसेंस जो है लोग जमा नहीं कराते थे, तो उन्होंने एक फार्मूला सिर्फ लगाया कि वापडा के बिलों में टीवी लाइसेंस लगा दिया और जो बंदे के पास टीवी है या नहीं है वो 25 रुपए बहाना दे रहा है। तो इसी तरह रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और किसी अमले की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही मिसाल मैं इधर देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर एक रूल बनाए कि जो लैंड ऑनर है वो थोड़ी लैंड कॉमन है या ज़्यादा का है वो अपने पहली फेज में पहले साल 5% अपने रकबे पे, यानी जिसका मिसाल के तौर पर 100 कनाल रकबा है तो वो 5 कनालों पे, 1000 है तो इस तरह 50 कनालों पे वो फलदार दरख्त उस इलाके की मुनासबत से लाजमी लगाए। ये रूल बना दें कि वो उसका लगाना लाजिम है, वो जहां से करे खुद अरेंज करे, उसके लिए गवर्नमेंट को बादलेशन की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ ये चेक करे कि क्या उसने इस बात पे अमल किया है या नहीं किया, और उसमें अवार्ड रिवार्ड भी बहुत जरूरी है। किसी चीज को प्रमोट करने के लिए अगर अवार्ड रिवार्ड नहीं होगा तो लोगों की दिलचस्पी ही नहीं बनेगी। उसमें ये करें, अब मैं पहले मिसाल देता हूँ कि 5% अगर किसी मौजे में अगर जमीन है 3000 एकड़, किसी मौजे में 3000 होती नहीं है, इससे बहुत ज्यादा होती है, 10000 एकड़ तक भी जमीन होती है, तो उसका 5% जरा आप निकालें कि 10000 एकड़ की 80000 कनाल बनती है और 80000 का 5% जो है वो जाकर उस पर तकसीम कर दें तो कितना जाकर बनता है, 4000 मतलब एकड़ या 4000 कनाल आप कम ही कर लें। तो जब एक मौजे में इतने दरख्त लग जाएंगे तो उसका क्या उस पर माहौल पर भी असर पड़ेगा, और जैसे सिट्रस की किस्म है बुलवार में होती हैं, हमारे इलाके बखर में होती हैं, तो इसके जब वो लगाएंगे दरख्त तो कितना एक्सपोर्ट होगी ये फल और हमारी खुद की जरूरियात भी पूरी होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एटमॉस्फेयर भी होगा और जहाँ पे फलदार दरख्त नहीं लगते वहाँ पे जंगलात लगाएं, जंगलात की भी बहुत सी इकसाम है और बहुत से हमारे पाकिस्तान के इलाकों में मीठा पानी भी अवेलेबल है, जहाँ पे मीठा पानी अवेलेबल नहीं तो वहाँ पे अवेलेबल किया भी जा सकता है। और लोगों के लिए अवार्ड रिवार्ड की बात यह है कि उस मौजे के जितने टॉप 10 हैं या टॉप 20 हैं उनका पटवारी के ऑफिस में नाम लिखा हुआ हो, उनको इनाम दिए जाएं कि इन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन करने में अहम किरदार अदा किया है, उनको फैसिलिटीज भी दी जाएँ, कुछ मुख्तलिफ किस्म के एग्रीकल्चर की, और सबसे बड़ी बात उनको इज्जत दी जाए, और जो डिफॉल्टर हों जो इस बात में अमल ना करें उन पर कुछ ना कुछ फाइन होना चाहिए। इस तरह फिर तहसील हो जाती है या यूनियन काउंसिल, उसमें भी जो ऑफिस बना हो तो उसमें भी उन किसानों का फार्मर्स का नाम होना चाहिए, एक उसमें एक तख्तियाँ लगी होनी चाहिए, एक उन पर बोर्ड होना चाहिए जिसमें 1, 2, 3 उनकी रैंकिंग हो परफॉर्मेंस वाइज, तो इंशाल्लाह उसमें भी वो आएंगे। और फिर इस तरह डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कमिश्नर लेवल पे उसके जो पूरे उसमें टॉपर हैं पूरे डिवीज़न में और पंजाब में, ये अगर स्टेप किए जाए, ये पूरी तरह अमल ना भी हो लेकिन अमल ज़रूर होगा,
किसी न किसी हद तक 100% ना हो तो 50% होगा, 50% ना हो तो 25% होगा, अमल जरूर होगा। ये अमल होगा, लोगों ने अपनी उसको सजाना है तो उसको सजाने के साथ साथ इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। और गवर्नमेंट को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स होगी। आजकल जैसे नेट का दौर है, डेली बेस पे वो जहां पे जाकर उस वीडियो बना सकते हैं जो पटवारी हैं कि जी हमने आज जो ये विजिट किया, जो वॉलंटियर्स भी इसमें लोग शामिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी बहुत बहुत अच्छी है, लोग कहते हैं गलत है, लाकानूनियत के दौर में भी ये बेहतरीन चलते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम भी है लेकिन फिर भी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने नजामियों में काम कर रहे हैं। लेकिन जो बंदा अच्छा काम करता है उसको अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, वॉलंटियर्स इसमें उनको भी शामिल करना चाहिए और इंशाल्लाह रिजल्ट होगा। लेकिन इसको रूट्स लेवल पे लेके जाना चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया कामयाबी दे।